हेलो दोस्तों, मैं हूं इस्माइल एसके और आप देख रहे हैं स्किड्स। तो चलिए सब्सक्राइब मारिए इस स्किड्स चैनल को और इस बेल का आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। दोस्तों आज हम सीखेंगे फिर से एक नया एडिटिंग, मतलब अभी जो इंस्टा पर वायरल हो रहा है जो पिक्चर, तो आप लोगों को एक बार मैं वो पिक्चर दिखा देता हूँ कि कौन सा पिक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि देख सकते हो तो ये पिक्चर तो आप लोगों को मैं और दो पिक्चर यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि ये पिक्चर हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। तो मैं सिंपली एडिटिंग करूँगा स्नैपसीड से, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल होने वाला है ट्रिक्स। तो चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, मतलब वीडियो का आज मैं लाइक रखता हूँ। लाइक का एम कितना रखूँगा? 1.2K, मतलब 1200 लाइक रखता हूँ एम, ठीक है? तो 1200 लाइक पूरा कर देना यार। आप लोग हर बार पूरा कर देते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, उसके लिए मैं बहुत ही इंस्पायर होता हूँ वीडियो बनाने के लिए। मतलब अगर मैं जितना लाइक चाहता हूँ अगर आप लोग कर दे रहे हो तो अच्छा लगेगा ना। तो अच्छा लगता है तो तब मैं नया नया वीडियो, मतलब नया नया एडिटिंग आप लोगों को ट्यूटोरियल देता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सिंपली ये पिक्चर ले लेता हूँ यहाँ पर, मतलब ये वाला पिक्चर मैं आप लोगों को एक बार करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैं किया था। तो यहाँ पर सिंपली मैं इस पिक को इंपोर्ट कर लेता हूँ स्नैपसीड के अंदर गाइस। और यहाँ पर स्नैपसीड पर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा इस पेन वाला आइकन पर, और पेन वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को स्क्रॉल करके नीचे आना है और डबल एक्सपोजर यहाँ पर देख सकते हो, डबल एक्सपोजर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर जो ऐड फोटो का ऑप्शन ओपन इमेज मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है एक बार आप लोगों को। एंड आप लोगों को गैलरी में से जहाँ पर वो PNG रहेगा आप लोग यहाँ पर ले लेना, मतलब यहाँ पर ऐड कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पर मेरा सामने ये है, मैं रिसेंटली डाउनलोड किया हूँ इस PNG को, मतलब ये फ्यूचरिस्टिक PNG है। आप लोग अगर गूगल में सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से भी सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। एंड जिसका मर्जी अगर गूगल में से डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल पर सर्च करना होगा फ्यूचरिस्टिक PNG। 3D PNG अगर सर्च करोगे तो कुछ इस टाइप का PNG आएगा। तो 3D टाइप का PNG उतना नहीं आता है, अगर आप लोग सर्च कर रहे हो फ्यूचरिस्टिक PNG तो बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर सेटिंग कर लूँगा, मतलब आप लोग जिस तरीके से आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग उस तरीके से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि कौन किधर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं उधर ही रखूँगा। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेटिंग कर लेता हूँ गाइस, ठीक है? मतलब जहाँ पर भी मुझे अच्छा लग रहा है देखने में मैं वहाँ पर रख दूँगा सिंपली। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से रख दूँगा। एंड आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना है एक बार, इस ऑप्शन के ऊपर, ठीक है, जो स्टाइल वाला ऑप्शन है, और यहाँ पर कर देना है आपको ऐड। आप लोगों को यहाँ पर ऐड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। तो उसके बाद कर दूँगा यहाँ पर मैं डन, और डन करने के बाद आप लोगों को इस ऑप्शन में क्लिक करना है। एंड यहाँ पर जो व्यू दिखते हो व्यू पर क्लिक करना है और आ जाना है डबल एक्सपोजर पर यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर इसको एक बार क्लिक कर देना है, और जो अमाउंट है डबल एक्सपोजर का एकदम 0 पर रखना है। पिक को जूम कर लेना है आप लोगों को, और यहाँ पर जो फेस के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है उसको मैं कुछ इस तरीके से रिमूव कर दूंगा, ठीक है? तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से कर सकते हो गाइस सिंपली। तो यहाँ पर मैं सिंपली जल्दी से जल्दी कर लेता हूँ, और उसके बाद दिखाता हूँ कि पिक्चर कैसा लगेगा दिखने में यहाँ पर, ठीक है गाइस? तो आप लोग अगर चाहते हो कि मैं पहले ही पिक्चर को एडिटिंग कर लूँगा तो एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है? तो सिंपली आप लोग लाइटरूम से पहले एडिटिंग कर लेना पिक को, और उसके बाद यहाँ पर मतलब स्नैपसीड में आने के बाद ये फ्यूचरिस्टिक वाला PNG यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है गाइस? तो यहाँ पर बहुत ही सिंपली हो गया है, यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही जल्दी जल्दी भी हो गया है। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि पहले कैसा था। तो यहाँ पर देख सकते हो पहले कुछ ऐसा था और अब ऐसा हो गया। तो ये DJ Ans का पिक्चर है, तो आप लोग इसको इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। नाम DJ Ans लिखोगे तो यहाँ पर उसका मतलब आईडी आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर तो हो गया है, तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से कर सकते हो गाइस। तो वीडियो में बताने के लिए आज इतना ही था, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखना।